नमस्कार दोस्तों, बिजनेस समाचार में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे किराना स्टोर बिजनेस के बारे में। किराना स्टोर का बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होगा। इसे हम कोरोना काल में महसूस कर लिए हैं। पिछले एक साल में किराना स्टोर के बिजनेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। किराना स्टोर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। किसी भी लोकेशन पर भी शुरू करके आप कम बजट के साथ अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। यदि आप भी किराना स्टोर्स के बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज की वीडियो में किराना स्टोर बिजनेस से रिलेटेड वो पूरी जानकारी इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कि किराना स्टोर आप कैसे ओपन करेंगे, कितने प्रकार से ओपन किए जाते हैं, क्या इसमें प्रॉफिट और मार्जिन होता है, इसके लिए क्या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, कैसे आप अपने कस्टमर्स को कन्वेंस करेंगे, कैसे आप अपने बिजनेस को स्टैंड करेंगे, क्या क्या इसके लिए ज़रूरी बातें हैं और क्या रिस्क हैं, ये सारी बातों का हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए दोस्तों देखते हैं किराना स्टोर कैसे ओपन करें। दोस्तों, किराना का स्टोर मेनली तीन प्रकार से ही ओपन किए जाते हैं। पहला जो है मिनी किराना स्टोर्स। यदि आपका घर किसी ऐसे लोकेशन पर है जो कि रोड किनारे या फिर चौराहे पर या फिर भीड़भाड़ वाली जगहों में या बाजार के पास, तो आप अपने घर पर ही मिनी किराना स्टोर्स कम बजट के साथ शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस में आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। केवल 60 से 70 हज़ार रुपये के इन्वेस्टमेंट से आप एक छोटा मिनी किराना स्टोर शुरू कर सकते हैं। मिनी किराना स्टोर्स के लिए अगर स्पेस की बात करें तो कम से कम 200 स्क्वायर फीट स्पेस होना चाहिए। दूसरा जो किराना शॉप होता है ये मॉडुलर किराना शॉप होता है जो कि मिनी किराना शॉप से बड़ा होता है, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। जैसा कि आप सेल देखे हैं, सेल में अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें किराना शॉप के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक वैसा ही इसका भी डिस्प्ले अट्रैक्टफुल और एक बेहतरीन डिजाइन में किया हुआ रहता है। इसमें भी कस्टमर अपने से ही प्रोडक्ट को च्वाइस करके स्टोर करता है, उसके बाद जो है एग्जिट के टाइम वो ये बिलिंग करवाता है। तो इसमें आपको एक और बंदे की ज़रूरत पड़ेगा, एक या दो पर्सन आप अपने बिजनेस के एरिया के हिसाब से, बिजनेस का जो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका बिजनेस कितना बड़ा है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको सीसीटीवी कैमरेज की ज़रूरत पड़ेंगे और कंप्यूटर्स भी इसमें फिट करना होता है। तो ये जो है इंटीरियर के खर्चे में ही आ जाता है। तो इसमें अगर हम बजट की बात करें तो आपका प्रोडक्ट का ही 1.25 लाख तक का बजट बैठता है। इसके बाद आपका जो इंटीरियर और मतलब आपका डिस्प्ले का जो अट्रैक्टफुल आपको बनाना है, कंप्यूटर्स वगैरह, इसका खर्चा एक्स्ट्रा है। इसमें आप मान सकते हैं 50 से 60 हज़ार आपको एक एक्स्ट्रा शुरुआत लेवल में, बाद में और इसे आप अट्रैक्टफुल बनाएँ तो इस प्रकार से इसका जो टोटल खर्चा अगर हम बात करें तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए तक का आपका इन्वेस्टमेंट है। तो आप इस प्रकार का मॉडुलर किराना शॉप ओपन कर सकते हैं। इसमें स्पेस की बात करें तो कम से कम 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। और लोकेशन की बात करें दोस्तों तो ये भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जहाँ पर लोगों की ज़्यादा आवागमन बने रहता है, रोड किनारे, सिटी में, कस्बा में, कॉलोनी में, बाजार में, ऐसे जगह पर रहता है, कभी भी आउट क्षेत्र में नहीं होता है। नहीं तो इसमें क्या है कि इस बिजनेस में आप बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे। जहाँ पर कस्टमर आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो सके ऐसे जगह में ही इसको ओपन करना सही रहता है। तीसरा प्रकार का जो शॉप है उसे ई किराना स्टोर बोलते हैं। इसमें क्या है कि मिनी किराना स्टोर्स और मॉडुलर किराना स्टोर से ये थोड़ा से अलग हैं। इसमें होम डिलीवरी की सेवा दिया जाता है, ऑनलाइन इसमें सेलिंग किया जाता है जो एक निश्चित एरिया के नेटवर्क पर किया जाता है। हालांकि मिनी किराना स्टोर्स वाले या फिर मॉडुलर किराना स्टोर्स वाले भी इस प्रकार की सेवा देते हैं, कई लोग देते हैं,
वो अपना मिनी किराना स्टोर्स को या मॉडुलर किराना स्टोर को ई किराना स्टोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं या ई किराना स्टोर्स की भी सुविधा देते हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। तो प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। इसमें बिस्किट वगैरह जो आइटम होते हैं इसमें 8% तक का होता है। क्रीम वगैरह जो सौंदर्य सामान जो होते हैं इसमें आपका 10% तक का होता है। और जैसे कि चीनी वगैरह हो गया, चाय हो गया, मसाला वगैरह हो गया, इसमें 15 से 20% तक का मार्जिन मिलता है। इसमें मेनली ऐसा है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसमें 10 से 12%, 8%, लेकिन जो नॉन ब्रांडेड होते हैं वो 15% से ऊपर 20% तक का जाता है। तो एवरेज में हम इसमें 15% तक ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप बिजनेस शुरू किए हैं तो स्टार्टिंग से ही आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप होलसेलर को नहीं पहचानते, होलसेलर आपको नहीं पहचानता, इसमें थोड़ा समय लगेगा। जब बहुत सारे प्रोडक्ट या लगभग सारे प्रोडक्ट आप एक ही होलसेलर से खरीदेंगे तब जाकर के वो आपको एक अच्छा मार्जिन देगा। और आपको इससे भी ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो आप कुछ प्रोडक्ट को उनके स्पेशल जो उसी के बिजनेस करते हैं, उसका होलसेल बिजनेस करते हैं, उनसे खरीदें। जैसे कि आपको तेल खरीदना है तो जो लोग तेल का बिजनेस करते हैं उनसे खरीदें। आपको चीनी खरीदना है तो जो लोग चीनी का ही होलसेल बिजनेस करते हैं उनसे खरीदें। जैसे कि आप आलू प्याज खरीद रहे हैं तो केवल जो लोग आलू प्याज का बिजनेस करते हैं उनसे खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। किराना स्टोर्स के लिए लाइसेंस की बात करें तो ये खाने पीने का सामान इसमें सेलिंग होता है जो कि फूड लाइसेंस के अंतर्गत आता है। FSSAI फसाई का लाइसेंस जरूरी है। यदि आप अपना प्रोडक्ट बाहर सेल कर रहे हैं तो GST भी बहुत जरूरी है। किराना स्टोर्स में रिस्क और आवश्यक बातें। आपके पास जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसका पूरा 100% इन्वेस्ट करके बिजनेस ओपन कभी नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि कम से कम 6 महीना के लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट रखना होगा। ये मान के चलिए कि 6 महीने आप लॉस में जा रहे हैं तब जा करके आप बिजनेस में जो आने वाले उतार चढ़ाव हैं उसको आप मेंटेन कर पाएंगे। दूसरी बात है कि किराना स्टोर्स के बिजनेस में आपका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप कितना भी अच्छा अपना इंटीरियर का लोकेशन रख लीजिए, कितना भी आप ज़्यादा प्रोडक्ट रख लीजिए, यदि आपका बिहेवियर सही नहीं है तो आपका बिजनेस सही नहीं चल सकता है। आपका इंटीरियर, आपका डिस्प्ले कलरफुल और ऐसा रहना चाहिए कि आपके स्टोर के अंदर का जो सामान है वो पूरा दिखना चाहिए। फर्नीचर में ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्लास का उपयोग करें। ग्लास का खर्च जो है फर्नीचर के खर्च से ज़्यादा नहीं आता है, समथिंग या उससे कम ही रहता है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही आप बहुत ज़्यादा मुनाफा लेने का ना सोचें, बल्कि कस्टमर का नेटवर्क बढ़ाने के प्रति आपका सोच होना चाहिए। भले ही आप 2 रुपये उनसे कम कमाएं, लेकिन 2 कस्टमर अगर आप ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये सोच आपको इस बिजनेस में निश्चित रूप से सफलता देगा। साथ ही साथ ये प्रयास करें, अगर आप होम डिलीवरी की सेवा दे देते तो बहुत ही बढ़िया है, इससे भी कस्टमर अट्रैक्ट होता है। और 1,000 या 2,000 रुपये की खरीदी पर कुछ गिफ्ट दें। साथ ही साथ आप हर प्रकार के क्वालिटी के प्रोडक्ट, हर प्रकार के प्रोडक्ट आपको रखना होगा, जिससे कि कस्टमर आकर के वापस नहीं जाना चाहिए, वो दोबारा आप ही के पास आए। वो सेटिस्फाई होना चाहिए आपके बिहेवियर से, आपके प्रोडक्ट से, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी से और रेट से, तभी जा करके आप कस्टमर को बांध करके रख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो किराना स्टोर्स के बिजनेस को लेकर के जो जानकारी आपको दिया है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और साथ ही इसी प्रकार का नए नए बिजनेस आइडिया के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।